एसएम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नई दिल्ली के अंदर और हमारे बीच में ऐसे समाजसेवी, बहुत ही समाजसेवी जिन्होंने सेंटर सरकार, सेंटर गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के अंदर काम किया और भारतीय सरकार के अंदर ऐसा काम किया जो डिफेंस से संबंध रखते हैं और डिफेंस से काम किया और डिफेंस से ही नहीं राजनीति के अंदर भी बहुत अच्छे ढंग से काम किया। मानवर कांसीराम साहब के साथ में कंधे से कंधा लगाकर काम किया और मानवर कांसीराम साहब को एक सलाह देने वाले एडवाइज़र हुआ करते थे। आरवी सिंह जी हमारे बीच में हैं और आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि जो अभी जो बजट पेश हुआ है 6 तारीख को, उस बजट से कितना लाभ होगा और इससे क्या हानियां हैं। आरवी सिंह जी, आपका एसएम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जो अभी जो बजट पेश किया है अरुण जेटली जी ने, तो बजट के अंदर एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया, किसानों पर ध्यान नहीं दिया, इन्हों अगर ध्यान दिया है तो उन पूंजीपति लोगों पर ध्यान दिया है कि वो एक कहते हैं ना कि पैसों को पैसा कमाया जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो देखने में आया है इस बार का बजट करीब करीब 24 लाख करोड़ का है जी। नो डाउट पिछले वाले बजट से ये कुछ ज़्यादा है, कुछ परसेंटेज ज़्यादा है और होता भी है, हर साल के बजट में कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट ही होता है। लेकिन मैं बात करूँगा कि देश के जो वंचित वर्ग है, एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज़, इनके साथ में बड़ा अन्याय हुआ है। अन्याय इन द सेंस टोटल बजट जो हमारा पिछले साल के मुकाबले करीब 10.1% इंक्रीजमेंट है जी। और इन्होंने एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के जो बजट हैं होना चाहिए कायदे से 10.1% उनकी उनका भी जी, लेकिन बड़ा ही होशियारी से उन लोगों का बजट कम कर दिया। जैसे मैं आपको बताऊं, 10.1 की जगह पर एससी का जो बजट है इन्होंने 7.4% इंक्रीज़ किया है, जो कि सोचने वाली बात है। जब टोटल बजट आप इंक्रीज़ कर रहे हैं 10.1 जी, तो एक शेड्यूल कास्ट का बजट भी उसी रेशियो में इंक्रीज़ होना चाहिए, तो बात जायज़ है, जस्टिस वाली है, लेकिन उसका सिर्फ आप 7.45% ही कर रहे हैं। इसी तरीके से एसटी का भी इन्होंने यही हल किया है। दोनों का अगर आप देखें तो जो डाउन है, रिड्यूस हुआ है बजट पहले से, 2.82% इंक्रीज होना चाहिए तो उन्होंने 2.32 कर किया है शेड्यूल कास्ट का। शेड्यूल ट्राइब का भी इन्होंने 1.8% होना चाहिए था तो उसको 1.5 या 1.6 के करीब ही आता है, पिछले साल के मुकाबले में तुलना कर रहा हूँ जी। क्यों, बजट जो है वो हर साल ही बनता है, ऐसा नहीं है कि कभी बना दिया कभी नहीं बनाया जी, तो तुलना तो आपको करनी पड़ेगी। ओबीसी का भी इस तरह से आप देखेंगे तो बड़ी शोचनीय हालत है, जो बेचारे कहीं भी नहीं रहती है, जिसमें एक किसानों का ढंडोरा पीटते हैं रात और दिन। मुझे नहीं लगता ओबीसी को किसान ही बताते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ओबीसी मैक्सिमम किसान कम्युनिटी है, लेकिन उनके बजट की तो और ही बुरी हालत है। इनका जो बजट है वो 1.96% जो एलोकेशन किया है उसमें सिर्फ 1.74% ही किया है, और उसका जो इंक्रीजमेंट है टोटल एलोकेशन जो बजट को देखेंगे तो उनका जो परसेंटेज है आप ताज्जुब करेंगे, 0.06% आता है टोटल बजट का ओबीसी के नाम पे। और ओबीसी को कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं है साहब, कहीं भी नहीं है, जबकि ओबीसी का गाना बहुत गाया जाता है। इसी तरीके से माइनॉरिटीज़ का भी यही हाल है, माइनॉरिटीज़ का जो बजट है टोटल बजट 0.19% जो एक्चुअल होना बताया है वो भी 1.14% ही है। तो बजट का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूँ कि ये सरकार एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के मामले में बहुत ही दोहरा रवैया अपना रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। जस्टिस वाली बात यह है कि जब आप 10% इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हर एक का इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। सर ये जो अब ओबीसी की बात कर रहे हैं कि ओबीसी के उन्होंने बजट कुछ नहीं दिखाया है, लेकिन जो ओबीसी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या विधायक हैं सर, उनका अभी तक किसी भी तरीके से प्रतिक्रिया नहीं आई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं आप। जो भी विधायक या जो आप सांसद बोलिए, पार्लियामेंट में तो सांसद होते हैं, विधायक तो स्टेट में चले जाते हैं, तो जो भी सांसद आज ओबीसी के हैं, जो भी सांसद एससी और एसटी के, माइनॉरिटीज़ की तो संख्या ही बहुत ही नगण्य है जी इस संसार सरकार में। इससे पहले फिर भी गिन सकते थे, अब तो गिनने में भी बड़ा मुश्किल होता है जी। तो एससी एसटी और ओबीसी के जो हमारे सांसद लोग हैं, अगर आप सही बात देखेंगे तो वो इस कम्युनिटी, इस ग्रुप से कम है
पार्टी से ज़्यादा है। ऐसा रवैया देखने में आ रहा है कि आज जो पार्टी व्हिप है वो बहुत बुरी तरह हावी है, वो कुछ भी नहीं बोल सकते। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1952 के हिसाब से इनको कुछ फ्रीडम होनी चाहिए थी कहने की पार्लियामेंट में, एटलीस्ट डेमोक्रेसी में फ्रीडम होती है और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट भी इनको फ्रीडम देता है, लेकिन पार्टी व्हिप के आगे सब बेमानी साबित हो रही है क्योंकि वो अपनी बात सदन में नहीं रख पाते हैं। सच बात यह है, अगर किसी को रखने की तमन्ना भी है तो वो आदमी को जानकारी भी नहीं होती है। ये बड़ा इस देश का अनहोनी हालत है। सिंह साहब, अभी इन्होंने बजट के अंदर राष्ट्रपति जी की, उपराष्ट्रपति जी की, प्रधानमंत्री जी की सारी सुविधा होने के बावजूद इतनी सैलरी बढ़ा दी गई, तो उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? भाई साहब, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं आप। मैंने अभी कुछ दिन लाख कर दी गई है जी, पहले 2-2.5 लाख थी, जस्ट डबल जी। इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट, उसकी सैलरी भी 4 लाख कर दी गई है। ये आप इंक्रीजमेंट देखिए, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इनके लिए कोई भी चीज़ इनको कहीं बाजार में कोई खरीदना नहीं पड़ता, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं बड़े अच्छी तरीके से, लेकिन उनकी सैलरी और बढ़ा दी। और जो बेचारा मध्यम वर्ग जिसको आप बोलते हैं, जो सैलरी क्लास है, जो रात और दिन बाजार में खपता है, उसको कोई इंक्रीजमेंट नहीं है, उनकी हालत ख़राब है। तो बड़ा ही, मुझे नहीं लगता कि कोई खास देश की हालत जो है वो सुधरने वाली है। देश की हालत जो देश दिन पर दिन जो है ख़राबी हो रही है, और जैसा कि अमूमन लोग कहते भी हैं और सही भी बात है कि कुछ ही एक व्यापारी वर्ग जो थोड़ा देश में है उनमें से कुछ गिने चुने हैं जी। व्यापारी वर्ग में भी 1% करीब, वो जो है इस देश की 73% वेल्थ को हत्याए हुए है, ऐसा पेपर न्यूज़ है। मैं नहीं कह रहा, मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मेरे पास वही इंफॉर्मेशन है जो न्यूज़ और पेपर न्यूज़ आती है। उसके हिसाब से जो बड़े बड़े उद्योग घराने हैं उनमें से 0.1% या 1% करीब करीब उस 73% ऑफ टोटल वेल्थ हत्याए हुए, ये बड़ा सोचने की बात है। 27% जो वेल्थ है वो 99% लोगों के हाथ में है, ये अंदाज़ा लगाइए। अगर ये सही है तो बहुत बहुत ज़्यादा सोचनी है सर। ये लेकिन फिर आप कहाँ माना जाए कि जो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस भारत के, कि वो जब उनकी तनख्वाह बढ़ती है तो खुश रहते हैं, और वो किसानों के पे और दलित समाज से, बहुजन समाज से जीत कर आते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई बात होती है तो वो कहीं भी बात उठाने में असमर्थ रहते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि वो बात उठाते हैं लेकिन पार्टी व्हिप को ध्यान में रख के, पार्टी उनको अलाउ नहीं करती है जी। हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, और कहते हैं कि बोलने में कोई बुराई नहीं है, वो जो है कुछ बोल देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं, लेकिन वो हकीकत में उस पर अमल नहीं करते हैं। आज आप रिजर्वेशन का मुद्दा ले लीजिए, रिजर्वेशन के नाम पे इतना धोखाधड़ी हो रही है इस देश में कि रिजर्वेशन का एक लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया है कि इसके पीछे लड़ो जी। और अब सब लोग लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हकीकत में रिजर्वेशन तो ख़त्म कर दिया 92 के बाद में जी। जैसे ही हमारी गवर्नमेंट संस्थाएं प्राइवेटाइजेशन में चली गई हैं तो वहाँ रिजर्वेशन तो ख़त्म ही हो गया जी। अब रिजर्वेशन के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं, और ये सिर्फ इसीलिए करते हैं कि इनको पॉलिटिकल फ़ायदा मिले। पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए सब कुछ हो रहा है। देश का फ़ायदा अगर कोई देखता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देश का फ़ायदा आज बहुत कम लोग देख रहे हैं। सिंह साहब, आपने मानवर कांशीराम साहब के साथ बहुत अरसे से काम किया। एक मानवर कांशीराम साहब का एक रुतबा था, चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, उनका लोहा मानती थी। और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंच से बोला था कि कांशीराम एक ऐसी शख्सियत है कि वो विद इन 3 घंटे के अंदर दिल्ली जाम कर देंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कांशीराम जी का जब नाम आता है तो उनकी पर्सनैलिटी से कुछ सीखना चाहिए। उनका जो सेक्रीफाइस रहा इस देश में जी, वो शायद ही लोग कर पाएंगे, और जिसने सेक्रीफाइस किया है वो कुछ कर भी पाया है। तो मैंने उनके साथ मुझे बहुत सीखने को मिला, कई दफ़ा मैंने उनसे मुखातिब होकर बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं भी और सुनी भी,
उनकी जो पीड़ा थी वो देश के बहुजनों की पीड़ा थी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पीड़ा थी वही उनकी पीड़ा थी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन था सोशियो इकोनॉमिक बेस को ध्यान में रखते हुए श्री हमारे कांशीराम जी ने उसको आगे बढ़ाया था, लेकिन आज हालत बदल गई है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। सर, मानवर कांशीराम साहब हर एक मंच से बोला करते थे कि अगर सरकार बनानी है तो लंगड़ी सरकार बनाओ, क्या ये कथन सत्य है? जी बिल्कुल, उस जमाने का कथन, जबकि सरकार एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती थी जी। उस जमाने में लोग अपना अपना फ़ायदा देख करके सरकार को सपोर्ट करते थे, और वो ज़रूरी भी था, लोगों को सपोर्ट करना और अपना भला देखना ये लोगों की एक नीयत बन गई थी, आज भी है, लेकिन आज वो हालात बदल गए हैं। आज लंगड़ी सरकार बनाने में कोई मतलब ही नहीं है, सपोर्ट कौन करेगा? आज तो सरकारी फुल फ्लैश सरकार बनी हुई है, टोटल बहुमत में बनी हुई है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, थोड़े बहुत सीटें ले भी आएंगे तो आप वक्त नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो उनका जो थ्योरी थी उस ज़माने के हिसाब से बहुत फिट थी और उन्होंने उसका फ़ायदा भी समाज को दिया। सर, सभी लोग जब वो हार जाते हैं तो ये कहते हैं कि मशीनों में गड़बड़ है और मशीन ही इनको जिता रही है, ये माना जाता है कि अपने अंदर कमियों को नहीं ढूंढ रहे हैं। जो एक बाबा साहब के मिशन पर जो पार्टी चलती थी दूरा कांशीराम साहब करेंगे पूरा, लेकिन वो उस मिशन से हटती जा रही है क्या पार्टी? देखिए साहब, मिशन और पॉलिटिकल पार्टी दोनों अलग अलग चीज़ हैं। मैं आपको बता दूँ, बाबा साहब का मिशन सोशियो इकोनॉमिक फील्ड में जस्टिस दिलाने का था, पॉलिटिकल फील्ड में उन्होंने जस्टिस दिला दिया था। और जस्टिस दिलाने के लिए कांशीराम जी ने काम किया था, उन्होंने ये देखा कि देश का बहुजन समाज एक्चुअली सफरर है और उसी के लिए काम करना था, और उन्होंने काम किया। अब जो पॉलिटिक्स हो गई कांशीराम जी के बाद में जी, वो थोड़ा पॉलिटिक्स ज़्यादा हो गई है। सर, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है जी, कि कांशीराम के ज़माने तक का नारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था जी, लेकिन उसके बाद हमारी जो देश के कर्णधार बीएसपी के जो कर्णधार थी बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने उस नारे को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किया। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि आप सबका सुख मत करो, लेकिन उसमें जो है बहुजन के हिताय को वो भूल गए जी। सर्वजन सुखाय जहाँ शुरू हो गया तो उस हुआ क्या कि उसमें जो फॉरवर्ड कम्युनिटी थी, जिनको के बाबा साहब का और कांशीराम साहब का हमेशा संघर्ष हुआ था जिनसे, उनको ही पूरा का पूरा फ़ायदा मिला। तो इससे एक समाज में बड़ा एक मैसेज गया कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, और शायद इसकी जो दुर्गति है वो इसी का परिणाम है। सर, अब आप आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो सर एक ही बात कर रहा हूँ कि इस देश में गरीब सफरर अगर वाकई अपना भला चाहते हैं तो वो जाति और धार्मिक बंधन से छूटें। मैं क्लियर कंसेप्शन मेरा यह है कि जाति और धर्म हमारा रोड़ा है इस देश की बाधा में और हमारी प्रगति में, देश की प्रगति में और हमारी प्रगति में, ये कोई भी करने को तैयार नहीं है। न धर्म को छोड़ते हैं न जाति को छोड़ते हैं, और जब तक जाति और धर्म रूल करेगी इस देश में जी, मैं आपको क्लियर बता दूं, तब तक इस देश के बहुजनों का भला नहीं हो सकता। अगर आज ये बस के बहुजन ये सोचे कि हमें अपनी स्थिति सुधारनी है और देश की स्थिति सुधारनी है, तो जाति और धर्म को एक तरफ रखते हैं। अगर ये रख सकते हैं, इनमें इतनी हिम्मत है, तो ये वाकई इस देश का भला कर सकते हैं और अपना भला कर सकते हैं, लेकिन मुझे संदेह है।